Once again, I would particularly take note of our guests, parents and guardians present on the occasion. We wholeheartedly welcome you people. Ladies and gentlemen, for the first performance to welcome the guests, I would like to call junior cadets upon the stage. Good morning, everyone. I acknowledge within name of Allah, who is most Rahman and Rahim. Me to talk of you. My college name is Aspian Cadet College. Me on Mamas from class 4. We say welcome. Now Aspian Star is coming to perform on welcome song. Clap for Aspian Star. Thank you.
What a mind-blowing performance of the cadets. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर महफिल हमारे शहदा के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है, इसलिए अपनी इस आधी अधूरी महफिल को मुकम्मल करने के लिए मैं जमात हफ्तम के तुलबा को दावत देता हूं कि वो आएं और शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करें। मेरा वतन है मुनव्वर इन्हीं चिरागों से, मेरा वतन है मुनव्वर इन्हीं चिरागों से, हवाए जर में भी लू जिनकी थर थरा ना सके, हजार मुबारक उन्हें जो बिक ना सके, उन्हें सलाम जिन्हें मसलहत झुका ना सके। Thank you.
What a wonderful performance. Now it's time for song singing. I would like to call Hasnain Kazmi from 6th class for song. लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरजू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। पता हो याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब मगर अब याद आता है तो बातें थी महज बातें, कई बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वहीं है सूरतें अपनी, वहीं मैं हूँ, वहीं तुम हो, मगर को कहीं गुम हो, मोहब्बत में दगा की थी, सुकाफिर थे सुकाफिर हैं, मिली हैं मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं, तेरे दिल के निकाले हम कहाँ बट के कहाँ पहुँचे, मगर बट के तो याद आया, भटकना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। Brilliant Hasnain, you are gifted with a beautiful voice. Now I would like to call Haseeb and his fellows for funny tableau. माई की हाल है तेरा
पता नहीं पुत की हो जांदा की हो जांदा मई पता नहीं दिल घूमी हो जांदा अरे दिल नु की हुंदा दस जरा पता नहीं की हो जांदा जा की नु बुला रिया मैं ले आउना वा लुकमान नु ले के छेती आई मैं हुने याद हुने आया अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब वालेकुम सलाम जरा जे घर नु आयो माई दी तबीयत बहुत खराब है पाइन पहले दे मरीज आके बैठे आ ओ माई भी इंज दी मर गई ते साडे पेटे पैया नहीं पाइन ना ला ले ते कुछ ख्याल कर लो कोई गल नहीं हकीम साहब तुसी आइयो चल चल आगे देखना तानू माई सी बीमार ता हकीम नु ले आंदा भाई फड़ी होई नबज ता हकीम बोले जांदा सी मेदे दी खराबी पठियां नु खिच्चा गुर्दे खराब ने ता सोच नाला विच्चा गर्मी मसा तजाबी लगदा है वाल कोई बंद है हकीम साहब महीने दा राशन नहीं माए दी बीमारियां पुछियां ने ते नाले किन्नियां बीमारियां दस दित्तियां जी अज सुबह ही ते बीमार होई सी पाइन मेरी आदत ते नबज फड़ के सारी बीमारियां दस दिंदा हुंदा चलो तुहाडी ए गल भी मान लेने हुण कोई दवाई दारू भी दसो किलो दूध पीना कोसा जा भूरी दा पाया गयो देसी खाना छन्ना हुई कटोरी दा चारों अहम रब्बे खाने लस्सी पीनी दब के बांडा भी बना के देसी अंडे खाने लब के बाकी सब कुछ अपने मुकद्दरा च लिखा दा माई यह कुछ खावे फिर बाकी बाद च विखाना ठीक है भीम साहब अल्लाह ठीक है अल्लाह हाफिज़ माई उड़ जा हकीम को दवाई ले माई की हो लिया पता की हो जाता भाई दे गया हकीम दवाई तो लेके आया सो लगता शीशा खुआ गया उड़ जा भाई हूँ सोत ले आंदे माई दे गया साड़ी माई मार गया चलो हकीम देखो कलमाए शहादत वेल डन गाइस यू पीपल परफॉर्म्ड रियली वेल नाउ आई वुड लाइक टू कॉल लिटिल किड्स फॉर डांस परफॉर्मेंस चिकचकचो
पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई शमशीर की हाजत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिस कौम की खुदी सूरत फौलाद, और नाचीज जहाने महो परवी तेरे आगे, वो आलम मजबूर है तो आलम आजाद। अब मैं जमात हश्तम की तालिबा जैनब को कि वो स्टेज पर आए और तकरीर पेश करें। हाजीन महफिल और तिश्निगान इल्मोरफा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू जिस कौम के बच्चे ना हो खुद दारो हुनरमंद, इस कौम से तारीफ के मामार ना मांगो। जनाबे वाला मेरे सामने लागरियो नहीं बच्चा, इनकी कदर से ना आशना, असबो हिम्मत से बेखबर, सयो अमल से बेपरवाह, रस्म हयात में पाए सबा से ज्यादा ऐशो निशान के तलबगार, जो इश्क में भी सादिक नहीं बस दिल गिरफ्तार हो दुल्फिकार, जिसके दिन फेसबुक और रात व्हाट्सएप में कटे पतंग उड़ाते ख्वाब देखते, आली वकार ऐसे प्यारे राज दुलारे, निकम्मे नकाम के नकाज के बस दुश्मन अनाज के, कौम के बच्चों नौजवानों और तालिबा इल्मों से क्यों कर उम्मीद रखूं कि तारीख के मामार बनेंगे, हम वहां हैं जहां से हमको भी हमारी कुछ खबर नहीं। इस तस्वुर और तस्वीर को लिए मैं कुछ मायूस होती जा रही थी कि गैप से आवाज आई, ला तक न तो मिन रहमतिल्ला, ना उम्मीद ना हो इनसे रहबरे फरसाना, ना उम्मीद ना हो इनसे रहबरे फरसाना, कम कोश तो है लेकिन बेजोक नहीं राही। आली वकार मेरे ख्याल का परिंदा उड़ा, सोचने उड़ान भरी, कुछ अकल की आंखें वो हो गई तो दिखाई देने लगा कि खुदी वो खुददारी इल्मो अमल गैर तो हमियत मेहनत और मशक्कत और कस्ब और रियाजत तो एक महारत है, जो भी खुदी को पा गया दुनिया में भी मेजान आखिरत में भी मेजान। आली वकार हिम तो एक बसारत है, जो भी बसीर बना निगाह बुलंद हुई फरासत अता हुई, खुदी तो एक सआदत है जिस किसी को नसीब हुई समझो बरकत नसीब हुई, हकीकत पा गए शमशीर की हाजत नहीं रही, सैफुल्ला बने कायनात तक रसाई हासिल की, खुदी के राजदा बने खुदा के तर्जुमा बने, इमानत दी गई इज्जत मिल गई, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, ज़मीनों आसमां कुर्सियों अर्श, खुदी की जिद में है सारी खुदाई। वो गाजियाना किरदार वो मुजाहिदाना रवैये, वो अदलाना निजाम वो हमदर्दाना हुकाम, वो शरीफाना तौर तरीके वो करीमाना इखलाक, वो जुर्रतमंदों की जुर्रत, वो दलेर
चीज़ ये है कि ईमानत दयानत सदाकत महारत बसारत यानी सब मिला के मोमनाना सीरत और पैगंबराना गैरत की तहसीन के लिए इल्म हुनर से मुसल्ला होना पड़ेगा जिसे महज हमने अपना ताबनाक माजी समझ लिया है। हम इब्ने खुल्दून तिब्री भी, हम इब्ने सीना इब्नुल हैशम अलबेरूनी भी, हम शायरी में शेराजी हैं, हम तो नगरी में फिरदौसी हैं, हम ख्याल है नेशापुरी के, हम तो नगरी में फिरदौसी हैं, हम रूमी की मसनवी हैं, हम सौस बने तो बुल्ले शाह, हम सास बने तो वारिस शाह, हम वक्त बने, हम रक्स बने, साई सच्चल शाह सर मस्त बने, जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खाल बने, और जब अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। जनाबे वाला नौजवान जब तलबे इलम के तालिब हुए, तलब तो तड़प बने, अस्तो इरादा किया, उन्हें मुनासिब हुए, तो फिर क्या था, कौन की तकदीर बदली, वतन की काया पलटी, किस्मत ने पलटा खाया, हर सू कामरानी आई, आली वकार मेरा वजदान ये कहता है कि नौजवानों में कल के कदीर भी है, मुल्क की तकदीर भी है, बट्टी शबीर भी है, शेर खान भी है, राशिद मिनहाज जैसे मर्दे मैदान भी है, आली वकार उठिए और मंजिल की जानिब चलिए, हमने तब्दीली लानी है, हमने इनकलाब बर्पा करना है, इस रियासत की सियासत को बदलना है, रियासी निजाम में पोशीदा खबासत को बदलना है, शराबे कोहन शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक चुकनू बना कर उड़ा, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, आपकी समाधों का बेहद शुक्रिया। वेल डन कैडेट। लोक कहानी नस्ल दर नस्ल लोगों में मशहूर होती है, ऐसी ही एक कहानी हीर और रांझा की भी है। हमारे तुलबा ने हीर रांझा की इस दास्तान को एक नए अंदाज में पेश किया है। वो जो कहता था इश्क में क्या रखा है, वो जो कहता था इश्क में क्या रखा है, एक हीर रांझा बना रखा है। अब मैं दावत देता हूँ जमात हफ्तम के तुलबा को कि वो आए और हीर रांझा का मजाया ड्रामा पेश करें। हो रांझा ते बड़ी परेशान आ, की होया इरे पीछे कारी आदल दी दुकान तो 20 रुपया हजे तक नहीं आया, मनु लगदा कारी आदल 20 रुपए दा लोड खा गया, कहीं है मां कहीं इंदी अली तक निस्काल नहीं आई। रांझा चल छड़, तेरे वास्ते देसी घी दी चूड़ी बना के लेके आई हां। इरे हाथ ते शापर चढ़ा के चूड़ी बनाया कर, मेरा दिल खराब हो जांदी। मेरे रांझा तेरे वास्ते इतनी चूड़ी बना के लेके आई हां, तू मैंने पदर किए जांदा है, चूड़ी खा। इरे तू अपना की हाल कर लिया, ओ इरे तेरे वाल की दिखी नहीं होए। मेरे रांझिया मैं गजनी वेख के सिर हो गई हां। इरे तू तवे नाल शरद लागे पैदा हुई सी, जदू भी मैं तैनू वेखदा मैनू ही महसूस होंदा कि प्यार वाकई अन्ना होंदा है। मेरे रांझिया तेरा दुख की चकलेटी हो गया है, जेड़ी भी क्रीम लानी अपना नहीं पैंदा। इरे तू क्रीम लाया ना कर, लाया कर, लान नाल तन फर्क नहीं पैना। मेरे रांझा तेरे को एक सवाल पूछा, तू किस स्कूल में पढ़? इरे ए तू सवाल करके मैं जज्बाती कर देता है।
मैं अस्करी कैडेट कॉलेज पढ़ना जिथे सर मुजम सर बिलाल ने पीरियड असी ए भी ना सकते सर मैं आई गो टू वॉशरूम तकी गल करा मैं सर मुजम्मिल दी सर मुजम्मिल सानू मैथ पढ़ा के साड़ी दिमाग दी दही कर दीती है तो मैं की गल करा मैम रिजवाना दी मैम रिजवाना सानू डिसिप्लिन दे लेक्चर दे के उन्होंने डिसिप्लिन लेक्चर मैं सुन के बीमार हो गया मैं डॉक्टर को गया तो उन्होंने मैंने आख्या कि थोड़ा ब्लड टेस्ट हो सी चाह रहे हो उन्हें जल्द गिदा ब्लड टेस्ट उतो भी खून की चाहिए डिसिप्लिन निकलिया गोभी का फूल मैं तेन ही खवावांगी तेरा कीड़े वाला गोभी का फूल तू मैनू की देवेगा रांझिया मैं 3000 मक्खियों दावत देवांगा कि ओ आण ते तेनू तेरे उसे नू खराजे तहसीन पेश करा मेरे रांझा क्यों मेरी पाक मोहब्बत का मजाक उड़ाना है मैं मर जावांगी हीरे तू बस कहनी है पर मर्दी ने मेरे रांझा तू इत्थे मजाक करदा रह उत्ते सर मुजम्मी साडी इश्की रास्ता सर अजमन नु दस दित्ती है हीरे दुनिया ते ही प्यार दी दुश्मन इस नाले चंगा सी सर बिलाल दी क्लास दे के टेंस पढ़ गई नहीं है मेरे रांझा इना नु दस के मैं तेरी पक्की मशूका नहीं रांझा तेरे प्यो दा नु कल लगे आपी दस लेना रांझा मैं मर जावांगी हीरे पहले भी मैं दसया तू बस कहनी है पर मरदी ने रांझा हुन नस चल दिया सब हुंदे ने पे चल फिर दौड़ दस ना Brilliant guys, it really was a watchful performance. Now I would like to call Cheyenne's group for dance performance. मुफलिसों के सच की गर्मी से निमटने के लिए झूठ का दर्जा फौरन हाइट होना चाहिए और आस आ जाती है आखिर जिल्लतें रुसवाइयां शर्त यह है कि चैनलों को ढीठ होना चाहिए अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कैडेट साथ को ताकि वो आप सब के सामने अपने चैनल को मुतारिफ करवा सके और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का मौजब बने खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान झूठा खान सबसे पहले हेडलाइन कॉलेज के बच्चों की सलाहियतें जूनियर विंग में डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम जूनियर विंग में भागती चलाती बदरू से हुए बच्चे परेशान सर बिलाल के
लम्हा बलम्हा बदलते मूड स्विंग से स्टूडेंट सख्त परेशान, बच्चों के खुशी के रंग में भंग मिलाने के लिए अली भाई हरदम मुतहरिक, सर शहाब के गुस्से के अंदाजे इजहार से बच्चे बदहाल, कैंटीन के नए शेड्यूल से जूनियर विंग परेशान और आदिल सर हुए खदशात का शिकार, मैस में वेटर और जूनियर कैडेट्स की तकरार, अस्करी कैडेट कॉलेज में आए दिन हुई इस्तेहाद, कारी सर और बच्चों के हालात सख्त खराब। चलिए अब चलते हैं तफसीलात की जानी। अस्करी कैडेट कॉलेज के बच्चे गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। वो जानते हैं कि मैथ के पीरियड में आंखें खोलकर कैसे सोना है, पार्क स्टडी के पीरियड में बगैर मुंह मिलाए चिप्स कैसे खानी है, और कंप्यूटर के पीरियड में कुछ ना समझ आते हुए ऐसा रिएक्ट कैसे करना है कि जैसे सब कुछ समझ लिया हो। डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम इस सरेनु तरतीब दिए गए, जिसके लिए मैम रिजवाना खुद 24 घंटों के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। मैम के वक्तन फवक्तन दौरों और छापों से बच्चे तो बच्चे उस्तादा भी परेशान। जूनियर विंग में कई हफ्तों से बदरू की चीख पुकार से बच्चे हुए परेशान, तो इससे छुटकारे के लिए आखिर गुफ्तो शनीद का मौका ढूंढा गया, जिसमें इसने अपना तारुफ मिर्जा गालिब के नाम से करवाते हुए कहा कि सर मुजम्मिल की शायरी ने इसे झंझोड़ कर उठने पर मजबूर किया है, और जब जब सर पर शायरी का रश्क जब सब सर पर शायरी का नजूल होता है तब तब इसे अपने दीवाने गालिब पर अफसोस होता है और सर पर रश्क आता है। सुबह सुबह हंसते मुस्कुराते बातें करते दिल बहलाते सर बिलाल का मूड होता है दोस्ताना, लेकिन मैम रिजवाना के आते ही मूड बनता है टीचराना। जल्दी याद करो मुझे लेना है टेस्ट तुम्हारा। डीए जफर सर की गैर मौजूदगी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ाने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन इस खुशी की लहर को महसूस करने से पहले ही ख़त्म करने के लिए अली भाई पहुंच जाते हैं और बोलते हैं लाइन बना कर पाँव घुमा और जोर से बोल होशियार। सर शहाब ने उससे का अजीब अंदाज बात किए बगैर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तुलबा हैरानों परेशान लेक्चर खत्म होते ही टेस्ट के लिए भी बिठा दिया, कैंटीन के नए शेड्यूल से जूनियर विंग सब परेशान, बच्चों को पड़े पापड़ों के लाले तो आदिल सर को बाहर से चीजें मंगवाने के खदशात, मसले के हल के लिए सर आदिल और बेला सर की खुफिया मुलाकात जिसमें कैंटीन टाइमिंग बढ़ाने पर सोचो विचार, मैस में वेटर और जूनियर कैडेट की तकरार, वालदेन की कॉल्स पर कॉल जिस पर सर अजमत का फौरी रिएक्शन सामने आ गया, सजा के तौर पर वेटर को खाना सर्व करने के साथ साथ बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी दे दी गई, अस्करी में आए दिन कोई नहीं इस्तेहाद, तंदूर की बजाय रोटी का प्लान नष्ट होते ही शिकायत की भरमार, रोटी सख्त होने से किसी का दुखा पेट तो किसी के दांत, मगर रोटी अभी भी वही मना रहा है प्लान, की तल्ख आवाज बनी बच्चों के साथ खुशगवार तालुकात में दरार, मैम रिजवाना की कारी सर को चीनी खाकर बच्चों से बात करने की हिदायत, ओके अल्लाह हाफिज़। Now I would like to call cadets from class 5 to present a beautiful performance of Pakistani culture. सदा सिंधु जी छोली मारुवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारुवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन
बोलियां च बोली पंजाबियां दी बोली बोलियां च बोली पंजाबियां दी बोली ओनू की में पता लगु जिने कदे भी ना बोली ओनू की में पता लगु जिने कदे भी ना बोली तेरे गुड़ नालों मिठड़े बोल चना तू कदे क्यों ना हो महबूब मेरा जग में खास क्यों ना हो महबूब मेरा जग में खास उसकी करते हैं सिर्फ सब आम खास और कत्ल करते हैं दो नैना पर खुमार कौन है लेवे तुझ आंखों में कसास आई वुड लाइक टू कॉल कैडेट अरमिश फ्रॉम क्लास 9 फॉर गजल पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन बागा विच फुल कोई ना ला मेरा जान दाए तेरी अखी दा मुल कोई ना पसंद सोने नैन पसंद तेरी सूरत हुस्न जमाल पसंद लेकिन हजूर एक अफसोस की गल है तेनू गैर पसंद साढ़े वैर पसंद निवियां दा हिक हिक बाल पसंद बाजार विकांदी लोई तेरे बाज नदर दी कोई
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇ खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई वुड लाइक टू कॉल कैडेट मोहम्मद एहतिशाम एंड हिज फेलोज टू प्रेजेंट टैबलो अबाउट राइज इन सेल्फ रिस्पेक्ट। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल। Study, please. What year? Did you know teacher here too? No, she explained to me every lecture. But I forgot. Okay, mama. Hello. Papa, tomorrow is my math test, and I don't understand anything. Can you help me, please? I'm already getting late from office. I have a lot of office work to do. When I will come back, I will teach to you. Okay, Papa. Oh, how was it? I don't understand anything. Papa, now you must have to teach me. Dear, I'm very tired. Dear, I'm very tired and I have office work. Then you go to your mama, please. Okay, Papa. Mama, mama, please teach me a little. Okay, beta, go to your father and ask him. Oh. Too late. Where's mama? It's here. I think
do some searching on internet. Neelma ka phone aa raha hai, tumke phone number denge. Oh god, my phone is hacked. Alag is karan. What should I do? No. और आंटी हम डेढ़ घंटे में पहुँचे हम गुड मॉर्निंग एवरीवन. Now you can check your result. I have passed. Oh god, I failed. Check it. What's happened to Ria? Oh my god, what has happened to her? I should call it over there. I'm Ria's class teacher, and your daughter is not well. Please tell me what has happened to her. I have taken her in hospital, and she has ADHD too. Please, guys, come. What has happened to her? Okay, I'm coming. Okay. I have received a call from Ria's school. She was in a critical condition. We have to go there. Oh God. How did all this happen? I don't know. Please come with me. Okay. What has happened? What has happened to her? Today is Ria's test and she failed, which made her unwell. Ria was telling us she didn't understand anything. You didn't pay attention to your daughter, because of which she failed and she could not bear to this trauma. Teacher, like a parent, but the whole responsibility is on the parent. So please pay attention to your daughter. Oh God, we should have paid attention on her. Now she is good. Oh, thank God. But she is still in depression. Thanks to Allah Almighty that she is fine now. Please take care of her.
Thank you. Hubab is very important in our life, but sad that our use of certain things can be. Hubab is very important in our life, but sad that our use of certain things can be harmful. Hubab has been incomplete without life. Most parents are on social media and they can. And most parents are on social media and remain busy on it. And they can't pay attention to their children. We need to take care of our family and children so that they have a good life. Because children learn what their parents taught them. Thank you. Now it's time to announce the result which all of you are waiting for. A few words for respected Colonel Muhammad Saeed. ये बिछती हुई चांदनी की सफ़ें, ये गाती हुई गुनगुनाती दफ़ें, कड़कती मचलती हुई बिजलियाँ, ये बजती हुई दिल की शहनाइयाँ, और संभलना संभलना ये कौन आ गया, संभलना संभलना ये कौन आ गया, खुशी का ये कैसा फसूं छा गया। I would like to call CEO of the college retired Colonel Muhammad Saeed and respected Ma'am Rizwana upon the stage to appreciate first position holder with an appreciation award. First position goes to Saif. Saif, please come on the stage and receive your award. In class 2, first position goes to Noman. Noman, please come on the stage. In class 4, first position goes to Muhammad Umar. In class 5, first position goes to Muhammad Jazib, Muhammad Ibrahim, Muhammad Huzaifa and Fazila. They have got A plus grade. In class 6, first position goes to Hasnain Kazmi, Muhammad Usman, Afaq Khan, Moiz Shah and Safiya with A plus grade. In class 7, first position goes to Mudassir Hussain, Abdul Hadi, Muhammad Haseem, Saad Hafiz, Sami Imran, Abdul Rahman Naim, Muhammad Farhan, Ali Hashim and Zainab. They have all got A plus grade. In class 8, first position goes to Etsham Ali, Muhammad Etsham, Muhammad Ijaz, Muhammad Saad and Hashir Jadoon with A plus grade. Thank you.
Now I would like to call respected commandant Mr. Anwar Kamal Bela upon the stage to appreciate second position holder students. In class nursery, second position goes to Sufyan. Sufyan, please come on the stage. In class 4, second position goes to On. On, please come on the stage. In class 5, second position goes to Muhammad Wasi, Muhammad Idris, and Aruj with A grade. In class 6, second position goes to Abdullah Badar and Muhammad Kaif with A grade. In class 7, second position goes to Shayan Yusuf, Ali Hasnain, Abdurrahman Irfan, Irtaza Sajjad, Shariar Ansar, and Ahmed Ali with A grade. In class 8, second position goes to Zuhaib Shah and Furqan Khan with A grade. Zuhaib Shah and Furqan Khan, please come on the stage and receive your award. Respected Keen Zara upon the stage to appreciate third position holders. I would like to call Sir Iftikhar. Please come on the stage. Class 4, third position goes to Abbas. In class 5, third position goes to Muhammad Rohan, Muhammad Asad, Shamshad, and Muhammad Hamid with B plus grade. In class 6, third position goes to Muhammad Azan, Muhammad Imad, and Tosif Almas. Muhammad Azan, Muhammad Imad, and Tosif Almas. In class 7, third position goes to Asad Nishan and Muhammad Zishan. In class 8, third position goes to Noor Mujtaba. Thank you.
It's time to call the students who done their best in school education and discipline. Give them a big hand. First of all, I would like to call Cadet Mudassar Hussain from class 7, who scored 100% in exam. Most neat and clean cadet goes to Faizan from class 6. The most disciplined cadet of the year is Rana Mubin from class 8. Rana Mubin, please come to the stage. Next award for obedience goes to Cadet Abdullah Badar from class 6. Physically fit cadet of the junior wing is Muhammad Aitisham from class 8. Dear audience, it is said that a teacher is not a king but a kingmaker. Teachers are the most honorable people in civilized society, as the Rasul said, indeed I have been sent as a teacher. Then there is no doubt that a teacher is well-wisher of society. In a Scree Cadet College, all the teachers are playing their role with honesty and dedication. They are inspiration for their students. Qasam hai shaan e wahdat ki tujhe abad kar dega, adab ustad ka ek din tujhe ustad kar dega. Now I would like to ask Ma'am Rizwana to present award to the best teacher, and the award goes to Sir Muzammil. Sir Muzammil, please come on the stage.